सेबी 14 अगस्त 2020 को रॉयल ट्विंकल स्टार साइट्रिक्स चेक इनकी संपत्तियों की नीलामी करेगा। ये बड़ी अपडेट जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेबी विभाग की तरफ से आई है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ देते हैं और ख़ास करके रॉयल ट्विंकल स्टार साइट्रिक्स चेक के निवेशकों के लिए हमने एक बड़ी कोशिश की। सेबी विभाग से रेगुलर हम फ़ोन पर बात करते रहे कि रॉयल ट्विंकल स्टार साइट्रिक्स चेक इन के सभी उन पीड़ित निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिलना चाहिए और उनके लिए जल्द से जल्द कोई नई अपडेट अपने पोर्टल पर डालिए। तो दोस्तों, आज हमारी वो मेहनत रंग लेकर आई और आज मैं आपके लिए ये सेबी विभाग की गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ ताकि आपको अपने पैसे मिलने का एक ऐसा सुनहरा मौका आपके सामने फिर निकल कर आया है कि आपका जो लूटा हुआ पैसा था फिर वापस आएगा, क्योंकि न जाने कितने निवेशकों ने रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के जो पीड़ित निवेशक थे उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं। ये कंफ्यूजन आज दूर हो गई। लेकिन मैं दोस्तों पहले से ही कहता आ रहा था कि आपकी एक एक पाई बाजार नियामक सेबी विभाग से दिलवा कर रहेंगे और आज जो मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ ये न्यूज़ सेबी विभाग की तरफ से है। नई दिल्ली पूंजी बाजार नियामक सेबी 14 अगस्त को रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब और साइट्रिक्स चेक इनकी संपत्तियों की नीलामी करेगा। इसके लिए आरक्षित मूल्य 68 करोड़ रुपये रखा गया है। कंपनी द्वारा जालसाजी के तहत टाइम शेयर हॉलीडे योजना की आड़ में जुटाए गए हजारों करोड़ों रुपये की वसूली की कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया गया है। 14 अगस्त को नीलामी होनी है। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी ने एक नोटिस में कहा है कि 14 अगस्त को कंपनियों की संपत्ति की नीलामी करेगा। इसके लिए 68 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य रखा गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन संपत्तियों की नीलामी 27 मार्च को होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लागू होने के कारण नीलामी को आगे के लिए टालना पड़ा। कंपनियों की नीलामी की जाने वाली संपत्तियों को महाराष्ट्र में मुंबई और लोनावाला और केरल के अलपंजा में भूमि एवं होटल कार्यालय परिसर आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द ही मैं आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ दूंगा जो आपको चौंका देगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ ये है कि आपके प्रोसीजर का काम फिर से चालू हो चुका है। तो दोस्तों, आज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय जय।